का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज अपने आए हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, और आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है चौथ माता का मंदिर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। अपने इस मंदिर में चलेंगे जो ज़मीन से करीबन 600 से 700 फीट ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है, और मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानेंगे, तो चौथ माता के दर्शन करेंगे। चौथ माता का यह मंदिर जमीन से करीबन 600 से 700 फीट ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है, और रणथंबोर के चौहान वंश के शासक अमीर देव चौहान जो थे उन्हीं के वंशज में से यहां सामंत थे भीम सिंह चौहान, और भीम सिंह चौहान ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। यह मंदिर जो है वो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से करीबन 25 किलोमीटर उत्तर की ओर है। मंदिर की ऊंचाई आप यहां से देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर कितना खूबसूरत बना होगा, और बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पर बना हुआ है। चौहान वंशीय राजा भीम सिंह चौहान ने इस मंदिर की नींव रखी थी। कहते हैं कि पहले यह क्षेत्र बरवाड़ा के नाम से जाना जाता था, और भीम सिंह चौहान को एक बार सपने में चौथ माता जो है वो यहाँ जंगल में दिखाई दी थी। उसमें चारों ओर का इलाका जो जंगल हुआ करता था, और बाद में उनकी प्रतिमा जो है वो जंगल से भीम सिंह चौहान ने ला के वो यहाँ स्थापित करवाई, और फिर इस क्षेत्र का नाम चौथ का बरवाड़ा पड़ा, और यह मंदिर जो है वो चौथ माता सिद्धपीठ के नाम से जाना है। और यहाँ देवी की भव्य पूजा होती है, और सुहागिन स्त्री जो है वो यहाँ मंदिर में मुख्य रूप से आती है। तो अब अपने दोस्तों चलते हैं मंदिर की ओर। काफ़ी लंबा टाइम लगेगा अंदर, क्योंकि मंदिर में काफ़ी लंबी चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो अपने अंदर चलते हैं। गेट बड़ा विशाल और खूबसूरत बना है। यहाँ आप देखेंगे कि एक बड़ा बाजार भी बना हुआ है लंबा। अभी सीढ़ियाँ शुरू हुई नहीं है, आगे से सीढ़ियाँ शुरू होंगी, और करीबन 1000 से 1500 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो पार करके और अपने मंदिर के ऊपर चढ़ाई करेंगे।
आप यहाँ से देखेंगे कि इनकी लंबी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी करीबन आधी सीढ़ियाँ आ गए हैं और आधी और बाकी है। मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा अभी यहाँ पे, तो आप चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए और पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाइए। हमारे यहाँ पर चोट माता दरबार में
हर महीने की छोट की भीड़ रहती है और यहाँ पर करवा चौथ को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और 12 महीने की 12 छोट होती है जिसमें चार बड़ी छोट होती है और जनवरी में कृष्ण माघ चतुर्थी को मेला लगता है यहाँ पर और भाद्र पक्ष की छोट होती है और वैसाख चतुर्थी होती है। अच्छा, चार छोट बड़ी आती है। तो इन मंदिर का निर्माण कितना समय हो गया लगभग? मंदिर का निर्माण सर 1957 जो हो गया था, इसका वैसे पुराना मंदिर है, 1457 ईस्वी का पुराना मंदिर है। अच्छा, करीब 900 साल पुराना मंदिर है। 900 साल पुराना। और यहाँ से अपने 14-11 किलोमीटर विलेज है, वहाँ था टोंक जिले में, पहले वहाँ थी, उसके बाद पचाला, फिर बरवाड़ा। अच्छा, और इन्हीं के नाम से पहले ये बरवाड़ा ही गाँव था और फिर चौथ माता के नाम से भीम सिंह ने स्थापना करवाई। हाँ, भीम सिंह चौहान ने इनकी स्थापना करवाई। तो ये मुख्य प्रतिमा बीच की तो माता जी की हो गई, माता जी की, ये छोट माता वो गणेश जी है, ये माता जी का प्रशस्त्र। अच्छा, ये माता जी का शस्त्र। और इनको मुख्य रूप से किसका भोग लगाया जाता है सर? मुख्य रूप से इसके एक तो अपने गुरुगोपे का भोग होता है और हलवा पूड़ी का होता है और सुबह 7 बजे हलवे का भोग होता है, दिन में गणपति। दिन में कितनी बार इनकी आरती की जाती है माता जी की? 4 बार आरती होती है। 4 बार आरती होती है, सुबह 5 बजे मंगल आरती होती है, दिन में 12 बजे और शाम को सूर्यास्त के अनुसार और शहर आते पौने दस बजे। तो मंदिर 24 आवर खुला थोड़ी रहता है? नहीं सर, ये सुबह 4 से रात 10 बजे तक खुला रहता है। रात्रि सुबह 4 से रात 10 बजे तक। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था चौथ माता का मंदिर। आप अपने माता जी के मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा पथ आप देखेंगे कि माता जी का बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, बरामदा इतना सुंदर बना हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर में इसे बनाया गया है। और इस तरफ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, चारों ओर आपको बिल्कुल जंगल नजर आएगा सुनसान। धीरे धीरे ये मंदिर माने की सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। और ये बरवाड़ा गांव है जो पहले बरवाड़ा के नाम से जाना जाता था और अब माता की जो मूर्ति है उनकी स्थापना के बाद में इसे चौथ का बरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। और माता जी के मंदिर का जो बरामदा है वो काफ़ी लंबा चौड़ा और कितना खूबसूरत है आप देख सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर है, पहाड़ी के टॉप पर बनाया गया इसे। सामने आपको एक लेक दिखाई देगी और पीछे एक खूबसूरत बड़ा होटल भी बना हुआ है, तो आप रुकने की भी यहाँ पे खूब व्यवस्था है, 3-4 होटल बने हुए हैं। अच्छे साथियों, चौथ माता के मंदिर के बारे में और चौथ माता के बारे में हमें पुजारी जी ने काफ़ी अच्छे से बताया, फिर भी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। इन्हें कंजर जाति की कुलदेवी माना जाता है और आदिवासियों में मीणा जनजाति में भी कुछ गोत्र हैं जिनको ये अपनी कुलदेवी मानते हैं और इनकी पूजा आराधना करते हैं। मुख्य रूप से यह कंजर जाति की कुलदेवी कहलाती है जो कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। सवाई माधोपुर से करीबन 20-25 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है ये बरवाड़ा गांव और उसी बरवाड़ा गांव में पहाड़ी के बिल्कुल टॉप के ऊपर बना हुआ है चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर। इस तरफ आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आपको जो गाँव दिखाई दे रहा है ये बरवाड़ा गाँव है और चारों ओर इतना विकसित नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल बंजर इलाका दिखाई देगा, पहाड़ी इलाका है ये और आपको यहाँ की आबादी जनसंख्या जो है बिल्कुल कम नज़र है। अभी सामने बिल्कुल खूबसूरत लेक बनी हुई है, नीचे 3-4 और भी अच्छे मंदिर जो है नीचे बने हुए हैं और आपको सामने एक खूबसूरत सा होटल भी दिखाई दे रहा होगा जिसमें अभी पीछे बॉलीवुड की कैटरीना कैफ की और उनकी शादी हुई थी, वो इसी होटल के अंदर हुई थी। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यह बरवाड़ा गांव जो है वो रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ रेल से भी आ सकते हैं तो, और बस वगैरह की तो है ही।